हाँ तो सर, आपको कैसा लग रहा है स्टेट लेवल अवार्ड जीतकर, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ये अवार्ड जीत के अति प्रसन्न हूँ। मेरा बाल जीत में ये अवार्ड है और बहुत प्रसन्नता के साथ मैं यहाँ स्टेट के लिए क्वालिफाई, डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई करके आया हूँ और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर अपने टीचर्स को, अपने साथियों को? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा मेरे साथियों को कि बच्चों में इकट्ठा बैठ करके और यदि हम प्रयास करें तो बहुत बढ़िया प्रयास हो सकता है। मैं मेरी अपनी बताऊँ, मैं कभी स्टेज पर नहीं गाया, ये मेरा पहला स्टेज का प्रोग्राम था और बच्चों के अंदर बैठ करके मैंने ये गीत वगैरह ये तैयार किए और मेरी ये खुद की रचना है और मैं अंदर से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अपने बाल गीत की दो लाइनें सुनाएंगे सर। पढ़ लो रे टाबरियो थामे, होले 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 होले, मास्टर की बाता से मारो मन डोले, पढ़ लो रे। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ हैं विजेंद्र सर, जिनको रामलीला में ये स्टेट अवार्ड मिला है, तो जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में। तो आइए विजेंद्र सर, बताइए कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं विजेंद्र सिंह, पीआरटी, जीपीएस, हनुमान गेट, भिवानी। आज स्टेट अवार्ड पाके बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। रामलीला का हमने जो पार्ट किया उसके मैं दो दोहे आपके समक्ष रखना चाहूँगा। रामायण के पात्रों में जब श्री राम जी को वनवास हो जाता है उस समय की घटना। विधिना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं, जन जन के प्रभु राम सिया के वन को जाते हैं। बहुत ही शानदार चित्रण किया गया था और जब पंचवटी में भरत जी श्री राम से मिलने जाते हैं, उनसे समायाचना करते हैं और उनके पदचिन्हों को खड़ाऊ के रूप में सिर के ऊपर धार के जब चलते हैं तो उसी का एक मार्मिक दृश्य है। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीस पर खड़ाओ अखियों में पाने, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बहुत क्या कहना चाहेंगे कि डिपार्टमेंट को ऐसी ऐसी योजनाएं जब की बार लेके आ रहे हैं उनके बारे में? विभाग का और हरियाणा सरकार का बहुत ही सार्थक प्रयास है कि निपुण हरियाणा में इस तरह की कलाएं समक्ष लेके आए, जिनमें टीचर्स भी अपनी कलाओं को निखार रहा है और अध्यापकों की शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ती जाती है, उनका ऑल अराउंड डेवलपमेंट इन्हीं हरियाणा के तहत हो रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेकर फिफ्थ क्लास तक हम चाहेंगे कि बच्चा हर गुण को अपने अंदर से निखार के लाए, उसको आसपास के वातावरण की, हमारे सभी शास्त्रों की, शिक्षा विभाग के नियमों की, पाठ्यक्रम की सभी प्रकार की जानकारी। मैं पूरे भिवानी वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे कोऑर्डिनेटर ललित जी का, भारती यादव जी का, मैडम का, डीडब्ल्यू साहब का और पूरी भिवानी टीम का, स्टेट हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार। ओके सर, थैंक यू।